तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम बॉबी राज भाई। आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो एडिटिंग वाली वीडियो अपलोड करता हूँ, अच्छे से वीडियो बनाता हूँ। और काफ़ी लोग का सवाल कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ और कौन किस एप्लीकेशन बनाता हूँ और ये बैकग्राउंड कैसे रिमूव करता हूँ, ये सब मैं सब आपको बताऊँगा। बस आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, अब आपको सब कुछ बताऊँगा। और कुछ लोगों का सवाल था कि आप इफेक्ट कहाँ से लाते हो और ये बैकग्राउंड कहाँ से लाते हो, तो ये मैं सब बताऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं दो एप्लीकेशन यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग में। पहला एप्लीकेशन है काइन मास्टर, दूसरा एप्लीकेशन कैपकट। मैंने दो एप्लीकेशन से अपना वीडियो एडिटिंग करता हूँ और वीडियो एडिटिंग करने के बाद हाँ मैं इंस्टा अपलोड करता हूँ और अब यूट्यूब पर भी अपना वीडियो शॉर्ट वाला अपलोड करने लगा हूँ। तो पहले बता सकता हूँ, बता दे रहा हूँ कि मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड रिमूव काइन मास्टर से करता हूँ। बस उस इसमें और थोड़ा सा अपना फेस जो ये सब होता है डार्क या वो सब होता है तो मैं एडजस्ट करता हूँ। वहाँ से जाके काइन मास्टर से एडजस्ट करने के बाद अच्छी तरह से बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं उसे सेव कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आ जाता हूँ कैपकट पे। कैपकट आने के बाद आपको अच्छी तरह पता है कि बिना वीपीएन के कैपकट चलेगा नहीं, तो मैंने वीपीएन ऑन कर लिया है। अब मैंने कैपकट स्टार्ट कर दिया। आप अच्छी तरह देख सकते हैं मैं इसमें सारे कितने सारे इफेक्ट हैं कि इसमें कितने सारे इफेक्ट हैं और वो सब एडिटिंग वाले वो सब हैं, आप देख सकते हैं। जो मैंने सारे इफेक्ट लगाता हूँ ये सब इसी में लगाता हूँ। और इसके बाद यहाँ से मेरा काम हो गया तो आप देख सकते हैं। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि मेरे ऐसे एडिटिंग वीडियो पे एक हफ्ते में मेरा 1,00,000 व्यूज गया। आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे 1 हफ्ते में मेरा 1,00,000 व्यूज गया अभी तो आराम से। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने एडिटिंग अच्छी तरह से किया। और दूसरी बात, मैंने ट्रेंडिंग सॉन्ग को लिया, जिससे जो ट्रेंडिंग सॉन्ग ट्रेंडिंग में चलता था उसी मैंने सॉन्ग को उठाया और मैं उसे वीडियो बना दिया अच्छे से। तो मेरे उसी वीडियो पर 1 हफ्ते के अंदर 1,00,000 प्लस व्यूज आए। और पिछले महीने मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर 2 हफ्ते में 1,000,000 व्यूज हो गया। अब तो फिलहाल 2,000,000 व्यूज चलेंगे उस पर। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो 2,000,000 व्यूज जा चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बैकग्राउंड कहाँ से आप लाते हो? तो मैं बैकग्राउंड लाता हूँ गूगल पर से। सच बताओ मैं गूगल पर डाउनलोड करता हूँ, बस उसका अच्छी तरह से नाम डालना पड़ता है। मैं आप सबको बताऊँगा कि मैं क्या उस पर डालता हूँ, अच्छी तरह से बताऊँगा। तो आप ये सब देख सकते हैं, आराम से देखिए मैं किस तरह से सर्च कर रहा हूँ और कितने सारे वॉलपेपर खोज रहा हूँ, बैकग्राउंड खोज रहा हूँ। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, आराम से आप देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे, देखिए ये सारे मैं यहाँ से डाउनलोड करके, डाउनलोड करने के बाद आ जाता हूँ अपने काइन मास्टर पे। काइन मास्टर जाने के बाद एडजस्ट करके एडिटिंग कर देता हूँ, अच्छे खासे बैकग्राउंड वहाँ से अच्छे सा एडिटिंग कर देता हूँ। तो आपका पहला समस्या का तो ख़त्म हो गया कि ये मैं बैकग्राउंड कहाँ डाउनलोड करता हूँ, तो ये आपका हो गया। अब दूसरी है कि ये मैं इफ़ेक्ट कहाँ से लाता हूँ। तो इफ़ेक्ट में पहले मैं 2 साल पहले की बात है, मैं इफ़ेक्ट मैंने कुछ इफ़ेक्ट है गूगल से सर्च किए थे और कुछ इफ़ेक्ट मैंने कहीं से लिया था पर मुझे याद नहीं है। मुझसे लगभग 3 साल हो गए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, मुझे पीछे 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अब मैं जाके मेरे वीडियो आगे बढ़ी, वायरल हुआ, तो मैं सारे इफ़ेक्ट में 3 साल से पहले रखा हूँ जो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ। अब यूज़ करने के बाद मैं जो सारे मटेरियल हैं, आधे ज़्यादा मटेरियल गोकट में से, मैं गोकट से ग्रीन स्क्रीन लगा के या ब्लैक स्क्रीन लगा के उसे डाउनलोड कर लिया। फिर डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कैपकट पे या काइन मास्टर आके ब्लेंडी का ऑप्शन लगा के एडजस्ट कर दिया हूँ और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और लोगों को ये दिल वाला मैंने गूगल पर सर्च मारा था, बस मुझे गूगल पर मिल गया था लग भाई। अब तो फिलहाल हो सके मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे तो नहीं पता, पर मुझे गूगल से ही ये मिला था, मैंने वह सर्च मारा था। तो फिलहाल जो सारे इफेक्ट हैं, मटेरियल हैं, जो सब कहते हैं, सब गूगल पे मिलते हैं। बस उसका नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है क्या नहीं है। अगर नाम को आपको अच्छी तरह पता है तो आपको सब मटेरियल मिल जाएंगे वीडियो एडिटिंग का।